मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा दिखाए गए आदर्शों और जीवन मूल्यों का भारतीय समाज में सनातन धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। आज राम के सच्चे आदर्शों और मान्यताओं की संसार को महती आवश्यकता है, तभी मानव समाज में सुख शांति और प्रसन्नता आ सकती है। यदि हम सबक लेना चाहें तो रामायण की प्रत्येक घटना से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि अच्छे विचार और अच्छी संगति न मिलने के कारण आज का मनुष्य दुख, चिंता और अशांति से घिरा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आदर्श पुत्र तो थे ही, वे आदर्श भाई भी थे। लक्ष्मण को मेघनाथ द्वारा शक्ति लगने पर राम कितने रोए थे, इसे सब जानते हैं। उन्होंने सुसेन वैद्य से कहा था कि मुझे लक्ष्मण को इस दशा में देखकर महान कष्ट हो रहा है, इसके बिना मुझे भूमि का राज्य और सीता का प्राप्त करना सब व्यर्थ है, आप इसे सिद्ध स्वस्थ कीजिए। भाई लक्ष्मण के बिना मैं माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को क्या कहूंगा तथा माता सुमित्रा का उलाहना कैसे सहन करूंगा, कैसे मैं भाई भरत और शत्रुघ्न से कहूंगा कि मैं लक्ष्मण को साथ लेकर गया था और अकेला आ गया हूं। मेरा यहां मरना अच्छा है, किंतु भाइयों की निंदा सुननी अच्छी नहीं। सुसेन, मैंने पूर्व जन्म में न जाने क्या दुष्कर्म किया था, जिसके फल स्वरूप मेरा धार्मिक भ्राता मेरे सामने मर रहा है। किम मया दुष्कृतम कर्म कृतम अन्यत्र जन्मनि, येन मे धार्मिको भ्राता निहतस्याग्रतः स्थितः। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। कितनी पीड़ा है श्री राम के हृदय में दूसरे दिन के युद्ध में, जब इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तब पहले राम की मूर्छा टूटी और जब उन्होंने खून से लथपथ मूर्छित पड़े लक्ष्मण को देखा तो विलाप करते हुए यहां तक कहा था कि यदि वीर लक्ष्मण नहीं उठे तो मैं अवश्य ही इस वानर समूह के सामने ही प्राण त्याग दूंगा। भाई लक्ष्मण ने राम के लिए घर परिवार और राजमहलों का सुख छोड़ा। उसके लिए यदि राम रोते हैं, दुखी होते हैं या प्राण त्याग की बात करते हैं तो यह इसलिए क्योंकि अपने दाहिने हाथ के कटने पर कौन दुखी नहीं होता। महात्मा भरत के प्रति भी राम का अत्यधिक प्रेम था। जब कैकेयी ने राम से कहा था कि राजा आपको वनवास तथा भरत को राज्य देना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा था कि मैं वन जाने के लिए अभी तैयार हूं, किंतु मेरे हृदय में एक दुख है कि राजा ने अपने मुख से भरत को राज्य देने के लिए मुझसे क्यों नहीं कहा। श्री राम कहते हैं कि मैं तो बिना किसी की प्रेरणा के स्वयं ही भरत के लिए राज्य, प्राण तथा इष्ट धन देने के लिए तैयार हूं। भरत तो श्री राम के साथ वन भी नहीं गए थे, फिर भी कितना स्नेह व्यक्त होता है राम का भरत के प्रति। यदि राम वनवास के समय भरत अयोध्या में होते तो शायद वहां से 3 की अपेक्षा 5 व्यक्ति वन में जाते। भरत तथा शत्रुघ्न भी कब मानने वाले थे, भाई राम के प्रेम की उपेक्षा कौन करता, क्योंकि श्री राम तो सब भाइयों से अत्यधिक प्रेम करते थे। लक्ष्मण का राम के साथ वन गमन करना, भरत का राज्य को ठुकराना, खड़ा रखकर शासन व्यवस्था चलाना परस्पर भाइयों के अत्यंत प्रेम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आज भाई भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं, परिवार परस्पर की कलह के कारण टूट रहे हैं। सर्वत्र स्वार्थ, अहंकार और अकेले भोगने की भावना हावी हो रही है। रामायण हमें शिक्षा दे रही है कि नश्वर सुख भोग और धन वैभव, भूमि, कोठी, बंगला, मकान, गाड़ी के लिए परस्पर मत लड़ो। पद सम्मान और कुर्सी के पीछे अपने धर्म, कर्तव्य, न्याय और सत्य के मार्ग को मत छोड़ो। परस्पर प्रेम, त्याग और सहयोग से उन्नति करो। इति ओम सम। जय भारत, जय श्री राम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।